हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक रेस्टोरेंट कैसे शुरू करें 6 लाख रुपए के अंदर। आपको आज पूरी जानकारी दूंगा कि रेस्टोरेंट को वेज खोलना चाहिए या नॉन वेज खोलना चाहिए, रेस्टोरेंट कहाँ पर खोलना चाहिए कि ज़्यादा चले, और रेस्टोरेंट में कितना खर्चा आता है। एक एक चीज़ का खर्चा इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इसके साथ ही कितना स्टाफ रखें, उनकी सैलरी क्या रखें, रेस्टोरेंट की थीम क्या रखें, कौन कौन से डिशेज रखें, क्या चीज़ रखें, पूरी जानकारी आपको एक ही वीडियो में आज देने जा रहा हूँ। तो अगर आप एक सच में एक रेस्टोरेंट खोलने का सपना रखते हैं तो इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। तो चलिए जानते हैं, आइए बिजनेस करते हैं, बिजनेस जो कामयाब बना दे। वेलकम इन मनीलैंड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक रेस्टोरेंट में सबसे ज़्यादा मायने रखता है खाना, कि आपके रेस्टोरेंट में किस तरीके का खाना बनता है। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आप जो रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं उसे आप वेजिटेरियन रखेंगे या फिर नॉन वेजिटेरियन रखेंगे या फिर वेज और नॉन वेज दोनों रखेंगे। तो इसे डिसाइड करने का मैं आपको एक सही तरीका बताता हूँ। देखिए, आप जो है सबसे पहले अपनी स्टेट और अपने शहर को देखिए कि वहाँ के लोग, जहाँ पर आप रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, वहाँ के लोग वेजिटेरियन ज़्यादा हैं या फिर नॉन वेजिटेरियन ज़्यादा हैं। जैसे कि हम बात करते हैं अगर हरियाणा की, तो हरियाणा में दूध लस्सी जो है, ये अपना जो वेजिटेरियन खाना जो है वो खाने वाले ज़्यादा लोग हैं। तो वहाँ पर जो है, आप किसी भी शहर में नॉन वेजिटेरियन का अगर रेस्टोरेंट खोलते हैं तो वो चलना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर हम बात करें पंजाब की, पंजाब में दोस्तों नॉन वेजिटेरियन लोग ज़्यादा हैं। तो आप जो है पंजाब में अगर नॉन वेज का रेस्टोरेंट खोल लेंगे तो वो ज़्यादा चलेगा। हरियाणा में वेज वाला भी ज़्यादा चल सकता है, नॉन वेज वाला भी, ठीक है। और अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में नॉन वेज वाला ज़्यादा चलेगा। तो इस तरीके से आपको देखना होगा कि आप किस शहर में रह रहे हैं, और फिर आप डिसाइड करें कि वहाँ के लोग, जहाँ पर आप रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, वो वेजिटेरियन ज़्यादा हैं या फिर नॉन वेजिटेरियन ज़्यादा हैं या फिर मिक्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डिसाइड कर लेना है सबसे पहले। अब दोस्तों, बात करते हैं कि रेस्टोरेंट को कहाँ पर खोलें कि जहाँ पर कि रेस्टोरेंट ज़्यादा से ज़्यादा चले। देखिए, सबसे बढ़िया मैं आपको जो है ना 5 लोकेशंस बताने जा रहा हूँ, 5 ऐसी लोकेशन जो हर शहर में होती हैं जहाँ पर रेस्टोरेंट सबसे ज़्यादा चलते हैं। सबसे पहला कॉलेज, ठीक है, किसी भी कॉलेज के पास में हो, जहाँ पर बड़ा कॉलेज हो और शहर के बीच में जो कॉलेज हो, ठीक है, उसके सामने रेस्टोरेंट अगर आप खोलेंगे तो वो चलेगा बढ़िया। यूनिवर्सिटी हो गई, किसी भी यूनिवर्सिटी के सामने, लेकिन यूनिवर्सिटी ऐसी जगह होनी चाहिए कि वो शहर के अंदर हो, कहीं गाँव में जाके यूनिवर्सिटी ना हो। इसके साथ ही रेलवे स्टेशन के पास, बस स्टैंड के पास, स्कूल के पास, तो ऐसी जगह पर आप अपना रेस्टोरेंट खोल लें। और हो सके तो किसी मार्केट में या फिर जहाँ पर पहले से काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं या फिर पहले से कोई भीड़ भाड़ वाला इलाका है, वहाँ पे आप रेस्टोरेंट खोल लें। तो वहाँ पे जो है ज़्यादा चांसेस होंगे आपके रेस्टोरेंट के चलने के। अब दोस्तों, बात करते हैं कि एक रेस्टोरेंट को खोलने के लिए कौन कौन सा खर्चा किस किस जगह पर आता है और कितना आपका टोटल खर्चा होगा। देखिए, सबसे पहले लगाते हैं रेस्टोरेंट का रेंट, जहाँ पर जिस जगह पर आप जो है रेस्टोरेंट खोलेंगे उसका रेंट 15 से 20 हज़ार रुपये महीने के रेंट में आपको एक ऐसी जगह मिल जाएगी जो 15 फीट बाय 30 फीट तक की होगी, ठीक है, जहाँ पर आप एक अच्छा सा रेस्टोरेंट जो है अपना बना सकते हैं। तो ये तो आपका मंथली खर्चा हो गया। अब फर्नीचर का खर्चा कितना आएगा, देखिए 1 लाख रुपये का आप लगभग फर्नीचर का खर्चा लगा लीजिए, जिसमें आपके टेबल और जो भी चेयर्स वगैरह होगी और बाकी जो भी आप वॉल पर कराना चाहते हैं वो सब आपका हो जाएगा 1 लाख रुपये के अंदर। इससे ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, ठीक है। अब बात करते हैं अगर बिल की, जो आप बिल काटेंगे लोगों के, तो उसके लिए आपको एक स्टाफ भी चाहिए, ठीक है, और एक कंप्यूटर जो है, 1 से 2 कंप्यूटर की जरूरत भी पड़ सकती है। तो ये आप 40 हज़ार रुपये के आसपास लगा लीजिए, बिल काटने की मशीन हो गई और एक पीसी हो गया, ठीक है। इसके साथ में अब बात करते हैं डिस्पोजल, जिसमें आप प्लास्टिक के जो भी आते हैं, जैसे आपको कोई शेक बना के देना है किसी को, ठीक है, तो उसके लिए जो डिस्पोजल, प्लास्टिक के डिस्पोजल के जितने भी ट्रे, प्लेटें, चम्मच और जो भी चीज़ें आती हैं, वो लगभग आप 30 हज़ार रुपये का लगा लीजिए अपना खर्चा, 2-3 महीने तक जो है वो चल जाएंगे 20-30 हज़ार रुपये के, ठीक है। और म्यूज़िक सिस्टम, देखिए म्यूज़िक सिस्टम बहुत ज़रूरी होता है एक रेस्टोरेंट में, ताकि वहाँ पर बैठे हुए लोगों का मन लगा रहे अच्छे से और वो ज़्यादा वहाँ पर बैठना पसंद करें आपके रेस्टोरेंट में। तो एक अच्छा सा म्यूज़िक सिस्टम अगर हम लगाएं तो 25 हज़ार रुपये का आप एक म्यूज़िक सिस्टम अपने रेस्टोरेंट में ज़रूर लगाएं, 25 हज़ार रुपये के आसपास का, इससे लोगों का आपके रेस्टोरेंट में बैठने का मन करेगा, ठीक है। अब मार्केटिंग की बात करते हैं, देखिए मार्केटिंग बहुत ज़रूरी होती है एक रेस्टोरेंट में। अगर आप अपने रेस्टोरेंट को ज़्यादा चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका आप 50 हज़ार रुपये का खर्चा लगा के चलिए, कि आपको मार्केटिंग सोशल मीडिया के थ्रू भी करानी है, आपको जो है अपने होर्डिंग्स लगाने हैं आसपास के इलाकों में, अपने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवाने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अगर लाइसेंस की हम बात करें तो लगभग ये लगा लीजिए कि 30 से 50 हज़ार रुपये के बीच में लाइसेंस और कुछ और चीज़ें होती हैं,
पेपर्स वर्क होते हैं, बहुत सारे जो भी जरूरत पड़ती है, ये आप 30,000 से 50,000 रुपए के बीच में खर्चा लगा के चलिए। अब अगर हम बात करें किचन की, जो किचन के इक्विपमेंट्स आते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए जितने भी ओवन हो गया, फ्रिज हो गया, ये जो सारी चीज़ें आती हैं, जितने भी बर्तन यूटेंसिल्स आते हैं, जितनी भी चीज़ें किचन में यूज़ होती हैं, वो सब जो आएगी, वो सब आप 1.5 लाख रुपए का खर्चा अपना सीधा लगा के चलिए, इतना तो लगेगा दोस्तों। अगर आप एक अच्छा रेस्टोरेंट शुरू कर रहे हैं जिसमें आप हर टाइप की डिश बना सकते हैं, तो उसके लिए 1.5 लाख रुपये खर्चे के यूटेंसिल्स और बाकी चीज़ें आ जाएंगी, चाहे वो ओवन हो, फ्रिज हो, सब कुछ। फूड की अगर हम बात करें तो आपका ये खर्चा लगा के चलिए कि आप 10,000 रुपये से लेकर जो है आपका 3 दिन का खर्चा लगभग 10,000 रुपये के आसपास रहेगा, ठीक है। अगर आपका रेस्टोरेंट चल रहा है, अच्छा चल रहा है, तो वो बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। तो आप 50,000 रुपये महीने से लेकर ज़्यादा भी लगा सकते हैं, जैसा आपका रेस्टोरेंट चलेगा। स्टाफ की अब बात करते हैं, कितना स्टाफ आपको रेस्टोरेंट में रखना चाहिए। देखिए, शुरू में आपको 3 स्टाफ की तो पक्की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो PN जो रेस्टोरेंट में साफ़ सफाई रखेगा, दूसरा शेफ जो खाना बनाएगा, और तीसरा जो बिल कट करेगा और साथ में सबको खाना सप्लाई करेगा जितने भी लोग वहाँ पे हैं। इस काम को PN भी कर सकता है या कोई और बंदा भी आप रख सकते हैं, जो सबको शेफ से खाना लेके, जो भी खाना ऑर्डर आया होगा वो लेके लोगों की टेबल तक रखेगा, ठीक है। तो ये जो टोटल खर्चा है ये लगभग 6 लाख रुपये के आसपास बैठता है, आपके सामने टोटल आ ही रहा होगा। तो इतना खर्चा दोस्तों एक रेस्टोरेंट को शुरू करने में आता ही आता है। इसके साथ ही आपको FSSAI का लाइसेंस बनवाना होगा, ठीक है। तो इससे आप क्या होगा, FSSAI का लाइसेंस बन जाएगा, फिर आप जो है इस पर अपना Zomato पे डाल सकते हैं अपने खाने को, Swiggy पे डाल सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर्स ले सकते हैं। तो काफ़ी सारे तरीके हैं, कस्टमर आए ना आए आप ऑनलाइन भी बेच सकते हैं अपने खाने को। आज का टाइम ऐसा है दोस्तों, आपको पता ही होगा रेस्टोरेंट्स के कितनी तेज़ी से चल रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों रेस्टोरेंट्स में प्रॉफिट कितना होता है, रेस्टोरेंट में जो खाना बनता है, जो खाना आता है उसमें प्रॉफिट कितना होता है। दोस्तों जो रेस्टोरेंट का प्रॉफिट होता है वो अलग अलग खाने पे डिपेंड करता है। जैसे अगर हम बात करें एक बर्गर की, अगर आप एक बर्गर 50 रुपए का बेच रहे हैं, ठीक है, तो उसमें 30 रुपए के आसपास की आपकी लागत आती ही आती है। तो ये आप मान के चलिए, आप जो है इस तरीके से अपना जो प्रॉफिट है वो आपको खुद ही डिसाइड करना होगा, आप कौन कौन सी डिशेज उसमें रखेंगे। आजकल ट्रेंडिंग में देखिए कि लोग ज्यादा क्या खाना पसंद कर रहे हैं, दूसरे रेस्टोरेंट में जाइए, उनसे पूछिए कि आपके रेस्टोरेंट में सबसे ज़्यादा क्या बिकता है। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको क्या चीज़ जो है अपने रेस्टोरेंट में ज़्यादा बेचनी है और क्या चीज़ जो है ज़्यादा चल रही है आजकल। तो इससे आप प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं अपना कि कितना कितना प्रॉफिट मुझे किस चीज़ में होगा, ठीक है। तो ये दोस्तों पूरा रेस्टोरेंट बिजनेस का जो मैंने आपको बताया, ये पूरा प्लान था। इसके आगे मैं आपको आगे और भी वीडियोज़ लाऊंगा कि किस तरीके से आप मार्केटिंग अच्छे से करें, किस तरीके से अपने रेस्टोरेंट को सबसे ज़्यादा, मतलब अपने जो आपके आसपास अगर रेस्टोरेंट में, उनमें आप अपने नंबर वन कैसे बना सकते हैं अपने रेस्टोरेंट को, ऐसी बहुत सी अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊँगा रेस्टोरेंट के ऊपर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, और हमारे यूट्यूब चैनल मनीलैंड को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इसका जवाब जरूर दूंगा, ठीक है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।